खुद इस दर्द से वाकिफ होना चाहता हूँ इंस्पेक्टर। जानना चाहता हूँ क्या वाकई दुनिया में ऐसा कोई दर्द है जिसे पाकर मैं अपनी टीना को भूल जाऊं। सारा जोर आजमा ले इंस्पेक्टर, कोई कसर मत छोड़ना आज, ये मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। कौन लेगा बॉबी की जगह, किसके लिखे डायलॉग बनाएंगे फिल्म को सुपरहिट, क्या फिर मचाएंगे धमाल फिल्म के गाने। हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब्बास मस्तान, इन दो भाइयों ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक एक्शन और थ्रिलर फिल्में दी हैं, जिनमें से एक और फिल्म बनी सोल्जर, जिसमें बॉबी देओल एक्शन करते दिखे। फिल्म 1998 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी थी। फिल्म ने कामयाबी के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़े और बॉबी देओल को फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला था। फिल्म में मुख्य हीरोइन के किरदार में दिखी प्रीति जिंटा की पहली फिल्म दिल से है, पर उनका डेब्यू फिल्म सोल्जर बनी थी, जिससे उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एंट्री की। फिल्म के मुख्य हीरो बॉबी अपने पापा का बचपन का रोल करने के बाद बॉलीवुड में आए। बॉबी देओल ने अपनी पहली फिल्म बरसात की, जिससे उन्हें बॉलीवुड में बहुत प्यार मिला, जिसके बाद उन्हें गुप्त और फिर सोल्जर फिल्म ऑफर हुई, जिसके बाद उनका बॉलीवुड में काफी दबदबा दिखा था। पर कुछ समय के बाद बॉबी का बॉलीवुड करियर रुक सा गया और उन्होंने डीजे का काम शुरू कर दिया, पर फिर फिल्म रेस 3 और अपनी वेब सीरीज आश्रम से बॉलीवुड में वापसी कर चुके बॉबी देओल पहले से ज्यादा दमदार नजर आए, जिससे शायद वो सोल्जर फिल्म में खुद ही मुख्य भूमिका निभाते नजर आ सकते हैं। हाल ही में उनके भाई की फेमस फिल्म गदर 2 की भी अनाउंसमेंट हुई और फिल्म की शूट भी शुरू हो चुकी है, जिसमें सनी देओल खुद ही एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सोल्जर 2 में भी बॉबी फिर से आ सकते हैं दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए। फिल्म का निर्देशन अब्बास मस्तान द्वारा किया गया और फिल्म में थ्रिलर और एक्शन भर भर के देखने को मिला। इससे पहले वो काफी फिल्में बना चुके हैं जिसमें थ्रिलर और सस्पेंस देखने को मिला है। फिल्म के राइटर ने फिल्म की कहानी लिखने के बाद निर्देशन के लिए अब्बास मस्तान को चुना। फिल्म की कहानी और डायलॉग श्याम गोयल ने लिखे। काफी लोगों को नहीं पता, पर फिल्म की कहानी रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बनाई गई थी। ऐसा सामने आया कि ये कहानी राइटर श्याम गोयल ने रियल में खुद देखी थी, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने इसके ऊपर एक फिल्म बनाने की सोची और फिल्म इतनी ज्यादा हिट साबित हुई जिसने बॉलीवुड में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़े थे। फिल्म की कहानी से लेकर फिल्म के सारे गानों ने धूम मचाई थी। फिल्म में 8 गाने सुनने को मिले, जिसको कम्पोज किया था अनु मलिक ने। फिर वो चाहे तेरा रंग बल्ले बल्ले हो, जो आज भी हर पार्टी और फंक्शन में सुनने को मिलता ही है। फिल्म के गाने के साथ साथ फिल्म का टाइटल ट्रैक भी बहुत पसंद किया गया। फिल्म की म्यूजिक एल्बम थर्ड बेस्ट सेलिंग एल्बम ऑफ द ईयर भी बनी। ऐसे में सोल्जर 2 के लिए गानों को कंपोज और गाने के गायक को चुनना काफी मुश्किल हो सकता है। पर बात करें कंपोज की, तो अनु मलिक के भांजे यानी कि अरमान और अमाल मलिक, जो गायक और कंपोजर दोनों हैं, जिनको हमने काफी फिल्मों में म्यूजिक देते हुए भी देखा है और सुना भी है, और उनका म्यूजिक भी लोगों को काफी पसंद भी आता है। ऐसे में अरिजीत सिंह, जिनका हर फिल्म में एक गाना हमें जरूर सुनने को मिलता है, जैसे हमें तब के समय में कुमार शानू की आवाज हर फिल्म में मिलती थी, ऐसे ही इनका भी एक गाना इस फिल्म में जरूर सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सोल्जर 2 से बॉबी दिखाएंगे अपना पुराना अवतार? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे आज के राइटर हैं गौरव,